आयुर्वेद अपनाएं, स्वास्थ्य अपनाएं। आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को जड़ समेत ख़त्म करती है। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फ़ायदे में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गले की खराश साफ कर पाए सुरीला गला। फ्रेंड्स, आज हम आपको गले की खराश को दूर कर सुरीला गला पाने के कुछ आसान घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन उपायों के बारे में अधिक जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे बिना समय गवाए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम सभी उपायों को प्रैक्टिकली करके बताते हैं ताकि आप भी उन उपायों को आसानी से अपनाकर उनका उपयोग कर सकूँ। दोस्तों, सोचो कि आपको किसी प्रेजेंटेशन में जाना है और उसी दिन आपके गले में खराश हो जाए। शायद इससे बुरा कुछ भी ना हो, लेकिन गले में खराश होती क्यों है? दोस्तों, इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि जुखाम, गले का बैठना, इन्फ्लुएंजा, शुष्कता, एलर्जी या कोई अन्य गले का रोग। इसके अलावा गले की खराश के कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे कि गले में असहजता, सूखा गला, गले में दर्द, कर्कश आवाज़ और कुछ निगलने में समस्या। पहला उपाय, गले की खराश को दूर करने का सबसे आसान उपाय है कि आप आधा कप गर्म पानी लें और उसमें चुटकी भर नमक मिला लें। इस मिश्रण से दिन में 4 से 5 बार कुल्ला करें। दूसरा उपाय में भी आपको 1 कप गर्म पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद, 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिला लें और दिन में 2 बार इस मिश्रण का सेवन करें। तीसरा उपाय, इसके लिए भी आपको 1/2 कप पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। तीनों सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाएं और इस मिश्रण का दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से गले की खराश में और से लाभ मिलता है। आप कुछ अदरक के दानों को चूसें और उसके ऊपर गुनगुना गर्म पानी पिएं। इसके अलावा आप सूप या अन्य कोई गर्म पेय का सेवन भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाकी के ज़रूरतमंद व्यक्ति भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।